नमस्ते छात्र सबको हिंदी क्लास में स्वागत। हम पिछले क्लास में सुखदुख नामक एक कविता के कुछ पंक्तियां पढ़े, ठीक है ना। सुखदुख नामक कविता के कुछ पंक्तियां हम पिछले क्लास में पढ़े। सब कविता पढ़े है ना। कविता की तीन स्टैंसा हम पढ़े। इस कविता में सुमित्रानंदन पंडित ने क्या हमसे कहा। सुमित्रानंदन पंडित है कविता का, इसने लिखी है ये कविता। सुमित्रानंदन पंडित ने लिखी है। सुमित्रानंदन पंडित जी ये छायावादी कवि है, एक मशहूर हिंदी के मशहूर कवि है। इस कवि ने सुखदुख नामक इस कविता में क्या क्या हमसे कहे। सुख दुख, सुख और दुख हमारे जीवन में कभी कभी आते हैं, ठीक है। कभी कभी सुख और दुख आते हैं हमारी जिंदगी में। हर समय सुख होता है तो अगला समय हमको दुख भी होता है। सुख और दुख को, दुख से जीवन परिपूर्ण हो जाता है। जिंदगी में सुख है तो और दुख भी होता है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू के तरह जिंदगी में सुख दुख की स्थान है, समझा। पिछले क्लास में हमने पढ़े, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। सुख दुख की खेल मिजौनी भोला जीवन अपना हो। मैं नहीं सुख चाहता है, मैं नहीं दुख चाहता है। बच्चों की खेल मिजौनी है जीवन। बच्चों की खेल मिजौनी, खेल मिजौनी पन्न बुद्धि कड़ी। बच्चों को खेल मिजौनी के समान हमारे जिंदगी में सुख दुख आता है। हर समय सुख आता है और दूसरे समय हमको दुख भी आता है। दुख के समय हम बहुत बहुत नाखुशी है। दुख आने पर हम बहुत नाखुशी है और दुख प्रकट करता है। और सुख के समय हमें बहुत संतोष मिलता है और हमको बहुत अधिक सुखी बनता है। लेकिन हर समय हमको नहीं मिलता है सुख। यहाँ पंडित जी इसी प्रकार कहता है, जीवन परिपूर्ण और हमारी जिंदगी परिपूर्ण हो तो उसके आधार सुख और दुख है। हर समय, कभी समय हमको दुख होता है और कभी समय हमको सुख मिलता है। सुख और दुख के मधुर मिलन से जीवन परिपूर्ण हो जाता है। इसको एक उपमा भी होता है। क्या उपमा? घन में ओझल हो शशि और शशि की ओझल हो घन। यहाँ कवि कहते हैं, बादल के आने समय हमको चंद्र को न दिखाता है। बादल आते समय हमको चंद्र को न दिखता। हम किस समय चंद्र को देखता है? रात में, रात में हमको आकाश में चंद्र को देखता है, चांद को दिखा सकता है। लेकिन बादल के समय, बादल मीन्स मेघम, बादल के समय हमको चंद्रमा को नहीं दिखता है। इसी प्रकार कवि कहते हैं, घन ओझल हो जाने तो चंद्रमा को नहीं दिखता है और चंद्रमा बादल ओझल होते समय हमको चंद्रमा को और शशि को देख सकते हैं। शशि मीन्स चांद, घन बादल, समझा है ना।
नेक्स्ट स्टैंसा जग पीड़ित है अधि दुख से जग पीड़ित रे अधि सुख से मानव जग में भंड जावे सुख दुख से सुख दुख से मानव जीवन सुख और दुख का समन्वय है मानव जीवन मनुष्य जीवित मानव जीवन सुख और दुख के समन्वय है समन्वय मीन्स कूड़ी चेरना दुख के समय हम बहुत नाखुशी होता है और दुख प्रकट होता है और सुख के समय में बहुत खुशी होता है लेकिन हर समय और सदा समय हम सुख नहीं चाहता है सदा समय हम सुख नहीं चाहता है दुख भी इसका अवसर हर अवसर पर हमारे जीवन पर आता है दुख और सुख आता जाता होता है जिस प्रकार दिन के बाद रात आता है जिस प्रकार दिन के बाद रात आता है उसी प्रकार रात के बाद हमको दिन आता है दिन के बाद रात होता है और रात के बाद दिन होता है यह प्रकृति नियम है इसी प्रकार हर समय हमको दुख होता है और हर समय हमको सुख होता है देखो चार अगला पंक्तियां अविरत दुख ही उत्पीड़न अविरत सुख भी उत्पीड़न दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जगजीवन अविरत दुख है उत्पीड़न अविरत सुख भी उत्पीड़न दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जगजीवन अविरत दुख है उत्पीड़न और अविरत सुख भी उत्पीड़न दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जगजीवन देखो अविरत दुख है उत्पीड़न अविरत अविरत का अर्थ क्या है अविरत देखो यहां अविरत तुड़च्छे आया अविरत दुख है उत्पीड़न 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 माने क्या है उत्पीड़न विषमिपिकल उत्पीड़न अविरत दुख है उत्पीड़न अविरत सुख है उत्पीड़न तुड़च्छे आया दुखम उत्पीड़न होता है और अविरत सुख भी उत्पीड़न दुख सुख की निशा दिवा में सुख और दुख निशा और दिवा निशा रात दिवा दिन दिन मीन्स पगल दिशा दिवा में सोता जागता जगजीवन जगजीवन जग में से दुनिया जगजीवन में सुख और दुख होता है किसी प्रकार निशा और दिवा के प्रकार निशा रात दिवा दे निशा और दिवा के रूप सुख और दुख हमारे जिंदगी में आता है इसी है कवि इसी प्रकार कहता है सदा समय सुख है यह उत्पीड़न होता है और सदा समय दुख है भी उत्पीड़न होता है और अंत में कविता का अंतिम भाग देखो चार पंक्तियां यह सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का चिरे खास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का यह सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का चिरे खास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का कभी कहते हैं कि मानव जीवन प्रभात रूपी सुख और रात रूपी दुख के समान है सांझ उषा का आंगन सांझ
रात उषा प्रभात सांजे रात उषा प्रभात यह कैसी प्रकार है सांज और प्रभात के समान है दुख और सुख सांज और उषा का आंगन है आंगन कोटियार मुट्ठा कवि कहते हैं इस दुख और इसी जो मानव जीवन में प्रभात रूपी सुख और प्रभात रूपी सुख और रात्रि रूपी दुख भी आता है यह जीवन है और यह जिंदगी है यहां चिरा खास और अश्रुमय आनंद खास मींस हैप्पी खास हंसना चिरिकगा खास हैप्पी अश्रु दुख दुख का प्रतीक है अश्रु और खुशी का प्रतीक है हास हास मीन्स चिरी अश्रु अश्रु पन्ननीर यहाँ अश्रु दुख का प्रतीक है और हास हसना सुख का प्रतीक है हास और अश्रु का आनंद इस मानव जीवन का हमारे जीवन में अश्रु और हास होता है हमारे आनंद में यह दिखा सकता है आनंद फेस हमारे आनंद में हमको दुख होते समय हमारे आनंद बहुत खुशी होता है और हमको दुख होते समय हमको बहुत विषाद होता है और सुख होते समय हमारे आनंद बहुत खुशी होता है ना समझा है ना लास्ट चार पंक्तियों का अर्थ यह है सांझ उषा का आंगन हास अश्रु का आनंद इस जीवन का यह है मानव जीवन में यह दो बार आता है हर समय आता है कभी समय हमारे मन में और हमारे आनंद में अश्रु आता है और हम कभी समय हमारे आनंद में हंसना आता है और हैप्पी हमारे मन में बहुत खुशी होता है हमारे मन में खुशी होते समय हम बहुत संतोष होता है और सुख होता है और बहुत संकट आते समय और बहुत दुख होते समय हमारे आनंद से अश्रु होता है यह है मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आता है यह प्रकृति नियम है यह है जीवन जीवन की अवस्था और जीवन इसी प्रकार के यह पंत जी हमसे समझ सकते हैं समझा सकता है हमारे जीवन में यह यहाँ सुख और दुख दोनों आता है यह अवस्था के बारे में कवि हमसे समझा सकता है मालूमना देखो चार यह है कविता भाग तुम दो और तीन बार पढ़ो इसे भी इसके बाद पहले दो और तीन बार कविता भाग पढ़ो इसके बाद आस्वाद निपणी पढ़े हमने पिछले क्लास में आस्वाद निपणी पढ़ा है उस आस्वाद निपणी पहले पाठ भाग पढ़े उसके बाद आस्वाद निपणी पढ़े उसके बाद तुमको मालूम हुआ ये कविता का आशय है ना ओके देन तुम्हारी पुस्तक में पुस्तक लेकर पन्ना संख्या 28 पेज नंबर 28 पन्ना संख्या 28 देखो सब चार पन्ना संख्या 28 पर देखो यहाँ एक वर्ग पहेली है देखो चार पन्ना संख्या 28 पेज नंबर 28 यहाँ वर्ग पहेली की पूर्ति करें एक प्रश्न देखो वर्ग पहेली की पूर्ति करें वर्ग पहेली में तुमने देखा है एक चार्ट वर्ग पहेली का अर्थ है पद प्रश्न हिंदी में पद प्रश्न का
पदप्रश्नम इन मलयालम में हमने कहा है पदप्रश्नम, इसका हिंदी शब्द है वर्गवहेली, हिंदी का शब्द। यहाँ देखो दाई ओर मुख का समानार्थी शब्द, दाई ओर मीन्स दाई ओर राइट साइड, नीचे और ताड़ोट, दाई ओर पलतोट। देखो मुख का समानार्थी शब्द, पहला प्रश्न देखो मुख का समानार्थी शब्द, देन पदबहेली देखो आनन, मुख का समानार्थी शब्द आनन, समझा है। दो, सफलता पाने के लिए इसकी जरूरत है, सफलता पाने के लिए इसकी जरूरत है, इसका उत्तर क्या है, सफलता पाने के लिए मेहनत, सफलता का अनदर वर्ड मेहनत। यह नीचे और है, नीचे और मीन्स ताड़ोट। तीसरा प्रश्न है मेघ के लिए इस कविता में प्रयुक्त शब्द, मेघ, मेघम എന്ന വാക്കിനെ ഈ കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്, തീസര നോക്കൂ, ഘൻ, ഘൻ ആണ് മേഘ്, ഘൻ. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, കവിത മേ സൻസാർ കാ പ്രതീകാത്മക ശബ്ദ്, കവിത മേ സൻസാർ കാ പ്രതീകാത്മക ശബ്ദ്, സൻസാർ എന്ന വാക്കിനെ കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക്. ഫോർത്ത് വൺ ജഗ്, जग, चौदह शब्द देखो जग। देन पांचवा, इसका अर्थ है आकाश, दाई ओर भाग नोक, इसका अर्थ है आकाश, आकाश എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വേർഡ്, दाई ओर പലതോട്ട്. फाइव, गगन, गगन आकाश, आकाश का समानार्थ शब्द गगन है, समझा। देन छठे प्रश्न, सुख दुख के मिलन से यह परिपूर्ण हो जाता है, सुख दुख के प्रश्न से यह परिपूर्ण हो जाता है, जीवन, जीवन। सातवां, उषा का अर्थ, उषा का अर्थ प्रभात, उषा का अर्थ प्रभात। आठवां प्रश्न, सुख दुख किस विधा की रचना है, नीचे और ताड़ोट कविता। नवे प्रश्न, यह निरंतर का समानार्थी है, यह निरंतर का समानार्थी है, अविरत, यह पाठभाग के शब्द है अविरत। दस, यह कभी नहीं बोलना चाहिए, यह कभी नहीं बोलना चाहिए, दस वन झूठ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह है वर्ग पहेली, सब चार वर्ग पहेली देखो और तुम्हारे पुस्तिका में लिखो। प्रश्न और उत्तर, देखो चार, सब चार वर्ग पहेली देखो और यहाँ यह है वर्ग पहेली, वर्ग पहेली और यह है प्रश्न, इस प्रश्न देखो और तुम्हारे पुस्तिका में लिखो, उसके बाद मेरे व्हाट्सएप में दिया गए, ओके। आज का क्लास समाप्त करती हूँ, अच्छा धन्यवाद, ओके, अच्छा।